कैसा हो रहा? अच्छा हम जा रहे हैं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। नमस्ते दर्शकों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे अपने गांव जाना है, सो फाइनली आज मैं अपने गांव जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे साथ है भाई, मेरी दी और मेरे प्यारे प्यारे दो अनमोल रतन, इनका नाम है पीयू और इनका नाम है ईशू। हाय बोलो, मुंह से बोलो। हेलो। कौन है ये? YouTube फैमिली। YouTube फैमिली इन वीडियो को लाइक करना। तो YouTube फैमिली इस वीडियो को लाइक करना। और आप गाड़ी देख सकते हैं गाइज, गाड़ी का हाल, पूरी गाड़ी सामान से फुल है। गाइज हम अभी जाम में फंसे हैं, जाम भी नहीं फाटक लगा है, अब दिखाऊं कैसे। देख सकते हैं यहाँ तो कमी जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे तो कुछ ज्यादा ही है। ट्रेन आ रही है तो फाटक लगा हुआ है, तो हम गाड़ी रोक के खड़े हैं यहीं पर और हम थोड़ी देर में निकलेंगे। गाइस आज मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है, आज मैं 4 साल बाद अपने गाँव जा रही हूँ। और 4 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद। 10 साल के तो बेटा तुम ही हो गई हो। हम 4 साल के बाद अपने गांव जा रहे हैं। हम लोग चार साल बाद, और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि तीन तीन या चार चार साल में ही हम जा पाते हैं, हर साल नहीं हो पाता जाना। और इसी बहाने हमारी पूरी फैमिली और जो भी गांव के लोग होते हैं उन सबसे मुलाकातें हो पाती है, उनके साथ रहने को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है अपने पहाड़ जाके। गाइज हम 2 दिन और 2 रातों से सोए नहीं है। कल तो पूरी रात जगे थे, और सच में ना परसों भी पूरी रात जगे थे, कल भी पूरी रात जगे थे, 2 रातों से मतलब 20 मिनट भी मतलब नहीं सोए। 20 मिनट भी शायद मुश्किल से ही हम सोए होंगे। मैं दिखाई नहीं दे रहा। 20 मिनट भी शायद मुश्किल से हम सोए होंगे। 2 दिन 2 रातों से हम सोए नहीं है, तो इस पे शायद नहीं पता चला होगा, बिकॉज अभी फ्रेश होके आए हैं तो नहीं पता चल रहा है। बट आपको मेरे दूसरे व्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे, क्या हुआ था। हाँ, वो मैं इस व्लॉग के बाद डालूंगी, मगर वो व्लॉग इससे पहले बन चुका है, इससे 1 दिन पहले का व्लॉग है, वो जस्ट 1 दिन पहले का, लेकिन मैं उसको शायद 1 दिन बाद डालूंगी, बिकॉज आज जो ये मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने गाँव का, वो मैं एडिट करके कल डालूंगी, और जो मैंने कल बनाया था उसको एडिट करने का टाइम मुझे आज नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं उसको 1 या 2 दिन बाद डालूंगी। बट आपको वो व्लॉग देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम 2 दिन और 2 रात जगे रहे। एक पोपट हो गया हमारे साथ, और वो पोपट ये है कि हम लोग आज टीयूवी से नहीं जा रहे थे क्योंकि बताइए। अभी गाइस मैं इतनी पहाड़ में ड्राइविंग करता नहीं हूँ, और जहाँ हमारा गांव है पिथौरागढ़, उसकी रोड बहुत मतलब सिंगल लेन है, तो मेरे से इतनी हैवी ड्राइविंग नहीं होती है। तो हम जाने वाले थे बस से, बट हैवी ड्राइविंग में क्या नहीं होती है, मतलब मैं इतना लॉन्ग रूट एक साथ नहीं चल सकता हूँ, और आज ही हमारे गाँव में घर में पूजा है तो आज ही पहुँचना है। अगर 1-2 दिन का प्लान होता तो 1 दिन ये होता कि मैं यहाँ से निकलता, अल्मोड़ा रुक जाता, फिर दूसरे दिन फिर मैं चला के फिर मैं पहुँचा देता, बट आज ही पूजा है और आज ही हम निकले हैं, तो आज ही शाम तक हमें पहुँचना है। और हम जाने वाले थे बस से, पर अब बस सारी फुल हो चुकी है, सारी बसें फुल हो चुकी है। एक बात बोलूं, वैसे हम इतना भी लेट नहीं है, लेट बस हो चुकी है फुल, और जो से पहले वाली बस पता कर रहे हैं, जो पहले वाली बस वो जा चुकी है, जो एक यही है छोटी वाली, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट टाइप की जो गाड़ी आती है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद आई है। तो देखते हैं कि क्या होता है, आजकल वो चल रहा है ना, टूरिस्ट का वो चल रहा है। और गाइस वेदर भी बहुत खराब हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, मतलब खराब नहीं, इसे सुंदर बोलते हैं मगर पहाड़ों के लिए इसे खराब बोलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं छोटी वाली गाड़ी पता करने कि क्या वो जाएगी हमारे गांव, तो हम उसमें जाएंगे अगर वो हमें अवेलेबल हो जाएगी तो। ब्यूटीफुल मौसम इज सो ऑसम, पहाड़ों में इस टाइम बहुत बारिश हो रही है, जो कि रिस्की होता है पहाड़ों में इस टाइम। जो भी कहना जल्दी करो, अभी वाहन को भी लेट हो जाएगी, वो भी निकल लेंगे गाड़ी वाले। हेलो यार, क्या
गाइस हम 6 बजे पहुंच गए थे, हमें बस नहीं मिली और अभी बज चुके हैं 7:44 गाइस बज चुके हैं 7:45 और अभी तक हमारा कुछ इंतजाम नहीं हुआ था, बट अभी हमने किसी से बात करी है तो मे बी हो जाएगा। तो लेट्स सी, मतलब कोई को भी लगता ना कोई ट्रेजेडी हो तो लगता है ये हमारे साथ ही क्यों होता है, क्यों आखिर क्यों, क्यों लिया तुमको? तो गाइस मैंने खाई पर्स और इसका जो कचरा है तो मैं डाल दी अपनी गाड़ी में। अच्छा पता है क्या होता है, बाइक से जानता हूँ मैं। अच्छा मतलब सही है ना, सही है ना पर्सन, इंतजाम हो रहा है जाएंगे। देखिए ये इमली है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे हो रही? हाँ बताइए। टेस्टी क्या होता है इमली खा के? इनको नहीं पता कि इमली क्या होती है। बस बढ़िया, स्वास्थ्य कैसा हो रहा है? ठीक है तो गाइस आप बताना कमेंट में इमली क्या। सो गाइस हम लोग 9:30 हो चुके हैं और अभी तक मतलब इंतजाम हो गया है। जिन भैया के साथ हम जा रहे हैं जिन गाड़ी में, वो अभी किसी और को भी लेने गए, वो भी किसी और कोई और भी साथ में आने वाला है। सो हम घर से तो नाश्ता करके आए नहीं थे कि जैसे कि मिले, तो हम लोग कल का ट्रिप था हमारा जहाँ का भी था ब्लॉग देख लेना आप, तो वहाँ से 2-3 बजे घर पहुँचे और 4-5 बजे हम यहाँ आ चुके हैं। तो नहीं हमने कोई नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो अभी 9:30 बज चुके और हम लोग भूखे हैं। तो हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे, तो हम खा रहे हैं छोले भटूरे बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बट थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि खाएं नहीं खाएं क्योंकि भटूरे वगैरह ऑयली होता है और हम लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं पहाड़ के रास्ते पर भूख भी लग रही है तो खा लेते हैं। वैसे मुझे वॉमिटिंग नहीं होती है, लेट्स सी देखेंगे अगर हो जाएगी तो ठीक है, बट अगर है जगह तो चल जाता है और अगर नहीं है तो फिर गाड़ी में खाना पड़ेगा। ईशु कैसा हो रहा? अच्छा, भूख लगी थी कितनी? बहुत। क्या खा रहे हो? अरे बाबू नहीं नहीं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। चूल्हे पे चूल्हे हटो वहाँ से। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, यहाँ मेरे रिलेटिव का घर है हल्द्वानी में, तो यहाँ तक हम अपनी गाड़ी से आए हैं और जब हम गांव से वापस आ जाएंगे तो हम यहाँ से अपना सामान रख के गाड़ी में यहीं से वापस चले जाएंगे। मिलते हैं 10-12 दिन बाद। क्रॉस कर चुके हैं और भीमताल और नैनीताल दो रास्ते हैं, तो हमारा जो गांव पड़ता है वो भीमताल के रास्ते में पड़ता है। और मैंने आपको अपने गांव का नाम नहीं बताया, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गंगोली हाट गांव के छोटे से प्लेस से बिलोंग करती हूँ जहाँ का नाम है सेली पार्क। कैसा फील करें बगाम? सतह से लग रहा है वो। और जैसे कि मैंने बताया था गाइस कि 2 दिन से और 2 रात से हम ढंग से नहीं सोए थे और आज भी ट्रैवलिंग और दूसरी बार मिल रहा है मुझे फोन, तो आज भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और नहीं इतना अच्छे से एडजस्टमेंट हो पाता है ट्रैवलिंग में, तो नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है, तो अब जो भी थोड़ा बहुत आराम होगा वो घर जाके बोलो। इनसे बोलो यहाँ पे बोलो जो अभी तक आप बोल रहे हो। गाइस हमारे सुबह सुबह बस निकल गई इसलिए हम लोग बैठ पे आ रहे थे। और सो गाइस शक्ल के बच चुके हैं हमारा,
अभी हम उतरे हैं कुछ पहाड़ी फ्रूट लेने के लिए। भैया वो है वो अभी तो लाए उधर जो जन्नत खाते हैं ठीक है मजा आ रहा है मेरे लिए और ले मैं ये कितने अच्छे हैं तीन अच्छे हैं मैं तो ये खा रही हूं क्योंकि मुझे काफल कौन काफल है काफल गाइस इसको गांव में खा लेते हैं लेकिन इसके गुठले भी खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खा पाती इसलिए मैं ये नहीं खा खाती इसलिए मैं ये खा रही हूं गुठली भी खा लो ठीक है ऐसे नहीं उसको पेट में डाल देते सच बोल रही हूँ मैं उसे नहीं खाई खाई जाती गाइस तो इसलिए मैं काफल बहुत कम खाती हूँ। अल्मोड़ा की रसोई के बाल में खाई गाइस ये अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई है जो कि बहुत फेमस है। इसके ऊपर व्हाइट कलर की गोलियां होती है छोटी छोटी जो कि मीठी होती है इसलिए कुछ लोग इसे होम्योपैथिक वाली गोलियां भी कहते हैं मगर ये वो नहीं होती है कहीं जो भी होती है बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर चॉकलेट होता है बहुत टेस्टी होती है। 6:15 बज गए गाइस अभी तक स्टिल वी आर ट्रैवलिंग और हम अभी तक नहीं पहुँचे बट अब कुछ फोन भी आया था बोला था अच्छा बताया क्यों नहीं फिर उसकी घंटी नहीं बजी तो पता क्या चला फोन आया था मेरे को अच्छा तो अब हम 15 से 20 मिनट में मे भी पहुंचने वाले हैं तो मेरे पास किसका फोन है और हम तब से स्टिल ट्रैवलिंग कर रहे हैं सिर्फ गाड़ी में लग रहा है शुपियो क्यों कैसा लग रहा है पहाड़ आके बहुत बेकार क्यों कोई पहाड़ देख के तो मजा आ गया लेकिन दिखी नहीं रहा से ना तो मैं मुझे दो इसे तुम्हें कैसे लगा पहाड़ आके अच्छा इसे तो व्लॉग भी बना रही थी ना कब डालोगे फिर अपना व्लॉग डालोगे कब कभी किस में डालोगे घर जाके नहीं कहाँ डालोगे है? कहाँ पे डालोगे व्लॉग यूट्यूब में डालोगे चैनल का नेम क्या है तुम्हारे है सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गंगोली हाट मार्केट अब यहाँ से हम दूसरा टैक्सी कर रहे हैं जो सामान छूटेगा और फिर हम सीधे घर पहुंचेंगे पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन में और अब हम दूसरी टैक्सी करके जा रहे हैं यू और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तुम्हारे ऊपर नहीं रखी है तुमने नहीं रखी होंगी ना ऊपर बस अब ये लास्ट स्टेज हमारी इसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे ये हमारा जैसे तैसे बस क्लियर हो जाए और मैडम की हालत बिगड़ चुकी है बहुत ज्यादा अभी यार ये कहाँ कह रहे हैं कैसा लग रहा है फिर पहाड़ में हेलो ये तो मैं एडजस्ट करना पड़ेगा पीछे इतना कुछ तो एडजस्ट किया और क्या एडजस्ट कर तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं सो गाइस जैसे कि मैंने बताया हम घर पहुंच तो चुके हैं बट सब काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो ऐसे इंडिविजुअली मैं ना ही किसी का इंट्रोडक्शन करवा सकती हूँ ऐसे और अभी ना ही मैं आपको अपना घर दिखा सकती हूँ बिकॉज रात बहुत हो चुकी है और कुछ भी विजिबल नहीं है इतना और सब बहुत बिजी है काम में तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना गाइज अभी आपको बहुत कुछ शेयर करना है गाँव के लिए गाँव के बारे में बहुत कुछ दिखाना है बट अब काफ़ी लेट हम पहुँचे थे तो अभी मैं कुछ भी वीडियो नहीं शूट कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम 3 दिन से हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं सो यस ओके बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बोलो बाय बाय।